नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है। इस प्रकृति में कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीव जंतु अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन अर्थात वो पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी पोषण में वो जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए स्वयं पोषी जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम तैयार करने वाले हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी, यानी कि स्वपोषी पोषण यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसमें आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए और उसके उपोत्पाद क्या है, यानी कि उन परिस्थितियां के होने के बाद में क्या क्या बनता है। तो इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो है CO2 की उपलब्धता, यानी कि स्वपोषी पोषण का मतलब सीधा सीधा है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है सबसे पहले, जो प्राथमिक चीज है। उसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो होता है H2O की उपलब्धता, यानी कि जल की उपलब्धता। इसमें स्वपोषी पोषण में या फिर प्रकाश संश्लेषण में जल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद में सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, यानी कि वो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो इसमें सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता भी अनिवार्य है। इसके बाद में क्लोरोफिल की उपलब्धता, ये एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो उस पौधे की पत्तियों में ही पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण में इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं कि इसके उपोत्पाद क्या है। तो जब ये स्वपोषी पोषण की अभिक्रिया होती है तो इसमें एक तो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। इसकी समीकरण भी यहाँ पर दी हुई है कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकृति से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ों से वो जल प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है और क्लोरोफिल जो होता है उसकी पत्तियों में होता है। इससे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है और साथ में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार पेड़ पौधों द्वारा स्वपोषी पोषण किया जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।